लोकसभा चुनाव 2019 के तहत प्रचार जोर शोर से चल रहा है और 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान भी हो जाएगा। ऐसे में सभी पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों को जनसभाओं में बुला रही हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मार्च और 1 अप्रैल को ओडिशा का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 29 मार्च को राज्य के जयपुर में और 1 अप्रैल को कालाहांडी में रैलियां कर लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले बीजेपी के कुछ नेताओं का समूह, जिसमें 6 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, राज्य का दौरा कर बीजेपी के चुनाव प्रचार को गति देंगे। आपको बता दें कि ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही होने हैं। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में से पहले 4 चरणों में राज्य के विधानसभा चुनाव भी होंगे। ओडिशा भाजपा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ भाजपा पहले सत्ता में रह चुकी है और इस बार ओडिशा की पूरी सीट से भाजपा के स्टार प्रवक्ता संबित पात्रा भी चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं और जबकि विधानसभा की 147 सीटें हैं।